किसी भगवान जी के साथ जिन्होंने बहुत सफल फिल्मों का निर्माण किया हिंदी में। इन्होंने हिंदी में फिल्म तो बहुत बनी है, पहली बार इन्होंने मराठी में प्रोडक्शन किया है और डायरेक्टर भी मराठी में इन्होंने किया। मेरे को तो इन्होंने रत्नागिरी के हिसाब से लिया है और मैंने जानबूझ के मराठी पिक्चर बनाई है कि एक बार ये मराठी में आ जाए, इंट्रोडक्शन कराए मराठी में। इन्होंने हिंदी में तो बहुत अच्छी फिल्में बनाई, पहली फिल्म ये मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। आप खुद ही देखेंगे स्टोरी तो मालूम पड़ जाएगा कि स्टोरी इतनी मराठी में नहीं हो सकती है। और सचिन जी भी काम अच्छा किया है और विक्रम जी ने भी काम अच्छा किया, शिल्पा मैडम ने भी काम अच्छा किया है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी हिट जाएगी। तो किस तरह का विषय है ये जानना चाहूँगा, क्या दिखाने की कोशिश करेगी? थोड़ा इमोशनल पिक्चर भी है और थोड़ा लव स्टोरी का भी पिक्चर है, दोनों सब मिक्स है। पिक्चर अलग से स्टोरी मैंने बनाई है और गजेंद्र जी ने इसमें स्टोरी बहुत अच्छी तरह से लगाई है। तो किस तरह से इस फिल्म को आगे प्रचार प्रसार करने वाले हैं, काफ़ी सारे माध्यम हैं? हम लोग डायरेक्ट ही टॉकीज में सब लोग लगाएंगे, पोस्टर्स वगैरह सब जगह लगाएंगे और लोग देख के खुश हो जाएंगे। इतना मेरे को पूरा विश्वास है ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। और मराठी बहुत दिनों के बाद में ऐसी मराठी पिक्चर आई है। मराठी पिक्चर तो बहुत अच्छी है लेकिन ऐसी इमोशनल पिक्चर नहीं आई रियल में। आप देखेंगे जो इमोशनल पिक्चर है, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक आदमी बैठने के बाद में वापस नहीं उठेगा जब तक मेरी पूरी पिक्चर नहीं होगी। तो निर्माता के तौर पर किस तरह की फिल्म को ज़्यादा आप निर्माण करना चाहेंगे? जो मैं आज की तारीख में ऐसी फिल्म लेना चाहता हूँ कि जो इमोशनल है, तो कुछ अलग से स्टोरी बने इसकी। मला थोड़ा सा मराठीत पण बोलायचं आहे, म्हणजे मला खरोखर चांगली वाटली पिक्चर आणि मी मुद्दा पण रह्या पिक्चरला रत्नागिरीसाठी शूट केलं आहे कारण रत्नागिरीत फार ॲक्टिव्हिटी फार चांगलं सिटी आहे, त्यासाठी मी पूर्णपणे ही पिक्चर रत्नागिरीतच बनवली आहे। लोकांनी अशी पिक्चर बघावी, बाकी तर रोज वेगवेगळ्या पिक्चर येतात पण अशी इमोशनल पिक्चर फार कमी येतात।